राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण की छठी कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा विधि क्या रहेगी। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के छठे दिन उनकी छठी मनाई जाने की परंपरा है। जैसे अपने भी घर में एक बालक जन्म लेता है तो छठे दिन उसकी छठी मनाई जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। बंधुओं, इस साल कृष्ण जी की छठी 12 सितंबर को मनाई जाएगी। बंधुओं, छठी के दिन क्या किया जाए। बंधुओं, कहा जाता है छठी देवी की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनकी कृपा से राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया गया था। इसी के कारण बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठ पूजा की जाती है। इस दिन कड़ी चावल बनाने का प्रावधान है, इसलिए श्री कृष्ण की छठी के दिन कड़ी चावल बनाए जाते हैं। बंधुओं, छठी के दिन कान्हा की पूजा कैसे करें। छठी के दिन सुबह स्नान आदि करने के साथ साफ सुथरे वस्त्र पहनें। इसके बाद कान्हा को पंचामृत से स्नान कराएं। वैसे तो यदि आपको गोमूत्र मिले तो गोमूत्र से स्नान कराना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, क्योंकि जब बच्चे की भी छठी मनाई जाती है तो उसे गोमूत्र से स्नान कराया जाता है। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख से गंगा जल भरकर कान्हा का अभिषेक करें, फिर उन्हें सुंदर से वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पीले रंग के हों तो बहुत शुभ होगा। इसके साथ ही उन्हें मुकुट आभूषण पहनाएं, फिर पीले चंदन से उनके तिलक लगाएं, फूल माला पहनाएं। इसके बाद भोग में माखन मिश्री फल अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाएं। श्री कृष्ण को उनके नाम जैसे लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, नंदलाला आदि नामों से पुकारें और फिर कान्हा की आरती उतारें। बंधुओं, श्री कृष्ण जी की छठी पर शुभ योग बन रहे हैं। रवि पुष्य नक्षत्र 11 सितंबर को रात 8:01 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। अश्लेषा नक्षत्र 11 सितंबर को रात 8:01 से 12 सितंबर को रात 11:01 तक रहेगा। शिव योग 12 सितंबर को सुबह 12:13 से 13 सितंबर को सुबह 1:11 तक रहेगा। सर्वा सिद्धि योग सूर्योदय से 11 सितंबर को रात 8:01 तक, 12 सितंबर को सुबह 6:16 से रात 11:01 तक रहेगा। बंधुओं, जो कोई भी कान्हा की छठी का दिवस मनाएंगे उनके यहाँ कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। कान्हा उन्हें अपार धन संपदा प्रदान करेंगे। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। धन्यवाद।